नमस्ते, आइए आज हम बनाते हैं वेजिटेरियन कीमा यानी सोया न्यूट्री एंड सोया चंक्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक पतीली चढ़ाई जिसमें मैंने गर्म पानी रख दिया है। गर्म पानी हो जाएगा हमारा तो इसमें मैं सोया चूरा जो होता है सोयाबीन का जो चूरा होता है वो डालूँगी। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सोया न्यूट्री लिया है और 100 ग्राम सोया चंक्स लिए हैं। इनको हम एक बॉयल आने तक उबालेंगे। इसमें मैं नमक डाल के इसे उबालूँगी। देखिए मैं नमक डाली हूँ, वैसे चला के मैं अच्छे से उबालने के लिए रख दूंगी। एक उबाल में हमारा ये न्यूट्री सोया और बड़ी जो है हमारी अच्छे से उबल जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। देखिए हमारी ये उबल चुके हैं, तब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि हम जो इसका पानी निकालेंगे, गर्म पानी तो हमारे हाथ ना जलें, इसलिए थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे और आराम से हम इसका पानी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए, 4 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और धनिया विद डंडी के साथ लहसुन लिया और मोटी मोटी प्याज काट लिए। मैंने 2 प्याज लिए, उनको रफली चॉप कर लिया है। एक कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ाया 1 चम्मच, इसे मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, मान लीजिए 1 टेबल स्पून बस। हमारा बटर गरम हो चुका तो मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्च। और हाँ, मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और धनिया की जो डंडी थी विद पत्तों के साथ उनको मैंने पीस लिया है, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। तो हमारे खड़े मसाले जब तेल में अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ पर हम रफली चॉप की प्याज को ऐड करेंगे। अब हम मसाले ले लेते हैं अपने जो हम इनमें मसाले डालेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने किचन किंग मसाला लिया 1 टेबलस्पून भर के और 1 पाउच डाल रही हूँ मैं चिकन मसाले का, चिकन कोरमा मसाला है ये, छोटा वाला पाउच है सबसे। और 1 टेबलस्पून भर के मैं रेड चिली पाउडर कश्मीरी वाला डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है और तीखा बहुत कम होता है। 1/2 टेबलस्पून रेड हल्दी डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मैंने मिर्च कश्मीरी भी, लाल मिर्च भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है, तो इसलिए मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डाल रही हूँ और हरी मिर्च भी ली है मैंने। अब हमने मसाले अपने सारे ऐड कर दिए तेल के अंदर और मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक की, अपनी लहसुन की, ये सब मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ मसाले में। देखिए थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, अब इसे मिक्स करके हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। हम अपना मसाला जब तक भूनेंगे जब तक हमारा मसाला और तेल अलग अलग ना हो जाए। इसे मैंने ढक दिया है और बीच बीच में मैं देखती रहूँगी। देखिए हमारा तेल थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है। अभी हमें और भूनना है मसाले को। हमारा मसाला अभी अच्छे से भुना नहीं है, इसे हमें अच्छे से भूनना है। हम मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे हमारी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया। अब यहाँ पे मैं अपना सोयाबीन का चूरा और उनकी बड़ियों को ऐड करूँगी। इसे मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे इसको भी हम। मैंने लेट को ढक दिया है, वैसे बीच बीच में चलाती रहूँगी। जब हमारा भुन जाएगा तो हमें तेल दिखने लगेगा, जब हमारी सब्जी अच्छे से भुन जाएगी तो हमारा तेल हमें दिखने लगेगा, तभी हम समझ जाइए
तभी समझ जाइए कि हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है, कम से कम 5 मिनट। देखिए हमारा तेल तले में दिख रहा है ना, हमारी सब्जी इसका मतलब अच्छे से भुन चुकी है। अब यहाँ पे मैं गर्म पानी ऐड करूँगी, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी ऐड करूँगी। इसे ढक के पकने के लिए रख दूंगी। पानी जितने आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा थिक बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डालूंगी। वापस से ढक के पकाऊंगी इसे। मैंने थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर दी और इसे हम मिक्स करके वापस से ढकेंगे। और अब देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है और मैंने गैस बंद कर दी है। देखिए मेरी सब्जी। अगर मेरे वेजिटेरियन कीमा की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।